प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम उच्चतर माध्यमिक हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं के पाठ 22 में दिए गए पाठ परशुराम के उपदेश, जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसका पठन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षार्थियों, कि रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में प्रख्यात हैं। यह कविता, जो एक परशुराम की प्रतीक्षा, एक लंबी कविता का चुने हुए अंशों को इस पाठ में संकलित किया गया है। कवि 1962 में भारत चीन युद्ध से बहुत आहत थे। युद्ध में भारत की पराजय हुई थी, ये सभी जानते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक इससे आहत था, क्रोधित भी था। कहीं ना कहीं उसकी कुंठा, उसकी परेशानी इस कदर बढ़ी कि कवि मन आहत हुआ और उसने अपनी एक रचना के माध्यम से इस कविता को रचा। इस पूरी कविता में एक राष्ट्रवादी भावना है और साथ ही हर भारतीयों के लिए एक संदेश, जिसे हम आगे पाठ में समझेंगे। जैसा आप जानते हैं कि भारत और चीन के संबंध शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद भारत की ओर से यह प्रयास किए गए कि हम उनके साथ एक अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बना पाएं, परंतु यह सर्वविदित है कि किस प्रकार से चीन ने भारत पर अचानक अनायास आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए भारतीय सैनिक तैयार भी नहीं थे, परंतु यथासंभव सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। पराजय से आहत होकर दिनकर जैसे राष्ट्रकवि ने अपने मनोभावों को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। शिक्षार्थियों, जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, इसी मनोभाव के साथ मैं पाठ को आगे की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले इस कविता के उद्देश्य को हम समझते हैं। कविता में निहित दर्शन और विचारों की सराहना, उमंग, उत्साह, वीरता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, संस्कृति के प्रति प्रेम जैसे गुणों की पहचान करना और उसे अभिव्यक्त कर पाना, राष्ट्रवाद की धारणा को स्पष्ट कर सकेंगे। इस कविता को पढ़ने के पश्चात इसमें आए लाक्षणिक प्रयोगों और प्रतीकों को स्पष्ट कर सकेंगे और कविता की ओजपूर्ण दार्शनिक भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। जैसा कि कहा गया है, परिवर्तन काल आ गया, महाकाल हुंकार रहा, जो साधक हैं, प्राणवान हैं, उनको समय पुकार रहा। और इसी प्रकार की एक पंक्ति और मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। शिक्षार्थियों, इसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह की शक्ति, किस तरह के ताकत की बात के लिए हमें कवि प्रेरित कर रहा है। कि हम क्षमा अगर किसी को देना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, वो तब तक सुशोभित होता है या अच्छी लगती है जब तक सामने पता हो कि ये जो सर्प है ये विष वाला है और ये दंश इसका हमें मृत्यु के घाट पर उतार सकता है। अगर वह सर्प हमें छोड़ देता है तो क्षमा शोभाशील होती है, शोभावान होती है, परंतु मालूम हो कि यह सर्प विषरहित है, विनीत है, तो उसकी क्षमा भी किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए कहा भी गया है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएँ, अपने आप को इतना सक्षम रखें, ज़रूर अहिंसा के मार्ग पर चलें, लेकिन जब आवश्यकता हो
तो हिंसा के मार्ग पर चल के देश की सुरक्षा के लिए जान देने और जान लेने को तैयार रहें। कवि इस कविता के माध्यम से हमें प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, और उत्साहित ही नहीं करता बल्कि एक मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जागरूक भी करता है, जागृत करता है। तो आइए हम इस कविता के अंशों को समझें। कविता के पहले अंश को पढ़ते हैं। सिखलाएगा वह रथ एक ही अनल है, जिंदगी नहीं वह जहां नहीं हलचल है, जिसमें दाहकता नहीं ना तो गर्जन है, सुख की तरंग का जहां अंध वर्जन है, जो सत्य राख में सने रुक्ष रूठे हैं, छोड़ो उनको वे सही नहीं झूठे हैं। तो शिक्षार्थियों, इस कविता के अंश को अगर हम देखते हैं तो कवि ने मुख्य रूप से, आपने देखा होगा कुछ शब्दों को अगर देखें तो लाक्षणिक रूप से हलचल, दाहकता और गर्जन की बात की है। इन तीनों शब्दों को हमें समझना होगा कि वह जीवन किस काम का अगर उसमें हलचल नहीं है। जीवन में क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक है, गतिशीलता के बिना जीवन मृत्यु है। अगर हम चलते हैं तो सिर्फ चलने से जीवन नहीं बनता बल्कि एक नव सृजन करना होता है, और यही नव सृजन करना हलचल है। चलते रहना, यूं ही चलना, जीते जाना ही जीवन नहीं है। जीना वो है जब हम उसमें नव सृजन करते हैं, और वही हलचल है। और जब नव सृजन के लिए हम बात करते हैं तो उसमें दाहकता अग्नि की बात होती है, और इसको और आगे अभी आपको कविता की पंक्तियों को स्पष्ट किया जाएगा। इसके बाद की देखते हैं हम कि सुख की तरंग कहाँ जहाँ अंधवर्जन है। सुख की तरंग पे हम जरा ध्यान दें। शिक्षार्थियों, जब हम वैभवशाली आराम परस्त जीवन जी रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हम देश के लिए, समाज के लिए समर्पण भाव से कार्य नहीं कर रहे होते। सुख को त्याग कर ही हम परिवर्तन की ओर आगे बढ़ सकते हैं, नवसृजन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आगे एक पंक्ति, जो सत्य राख में सने, राख को झूठ के समान मानते हैं, और सत्य जो है अग्नि है, और हम उदास पड़े हुए हैं, रूठे पड़े हैं ये जानकर कि अग्नि के ऊपर जो राख आ गई है, उस वो राख जो झूठ ने सच को दबा दिया है, उससे हम उदास हैं। छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि सच जो है नीचे है, और वो सत्य जो है अग्नि है, और उस अग्नि को पहचानना होगा। इस झूठ ने जो हमें छल रखा है, इससे हमें कुंठित नहीं होना है। यह बात भी कहीं ना कहीं कवि ने उस 1962 के आक्रमण के संदर्भ में कही है कि किस प्रकार से हमने हिंदुस्तान और चीनी भाई भाई, भारतीय और चीनी भाई भाई के नारे लगाए, पंचशील किया, और कई ऐसे हमने संधियों के माध्यम से आपस में एक मित्रता दिखलाई जो कहीं ना कहीं एक झूठ की राख से ढकी हुई थी, और जो अचानक एक आक्रमण के रूप में, एक धोखे के रूप में हमारे सामने आई। मनुष्य की क्रियाशीलता उसके नवसृजन को जन्म देती है। नवसृजन के लिए मनुष्य अपनी शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचाने, और उसमें वो जो दाहकता है और गर्जन है, उसके माध्यम से वह आगे बढ़े। हलचल, दाहकता और गर्जन, इन तीन शब्दों पर कवि ने बल दिया है। हलचल का अर्थ है भाव या विचार या परिस्थिति जो हमारे सामने रहती है। दाहकता, आवेश में उत्तेजना, और गर्जन है दहाड़ना, किसी विचार या कार्य को परिणति देना। जब एक भाव या विचार या एक परिस्थिति हमारे समक्ष होती है तो उसके बाद दाहकता के अर्थ में हम लें तो एक उत्तेजना है, एक उत्सुकता है, हमारी क्रियाशीलता बढ़ती है, और क्रियाशीलता की जब परिणति होती है, जब प्रतिक्रिया हम देते हैं, तो एक गर्जन के रूप में है, और वह गर्जन समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। चीन जैसे देश ने हमारे पर आक्रमण करके जिस प्रकार से अचानक हमें पराजित किया, इससे कवि आहत है, और साथ में ही इन शब्दों को और एक बार समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से उन्होंने इन चंद पंक्तियों के माध्यम से हमें प्रतिशोध लेने की ओर बढ़ने के लिए उत्सुक किया है। हलचल ना होना, एक भाव रहित होना, क्रियाविहीन होना, प्रतिकार की भावना होना चाहिए हमारे अंदर। किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, और अगर चीन से हमारे जो संबंध या जो युद्ध की स्थिति थी उसके बाद, पराजय के बाद, एक प्रतिकार की भावना हर भारतीयों के अंदर होनी चाहिए। ऐसे मनोभाव लेकर वो आगे बढ़ते हैं। दाहकता और गर्जन, प्रतिशोध को बढ़ाना और सामने वाले को जताना बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से अपनी, आपकी किसी भी क्रिया के
या प्रतिक्रिया के लिए जो मेरी प्रतिक्रिया क्या है उसे ज़रूर सामने वाले को बताना चाहिए, अन्यथा सामने वाला या शत्रु यह समझ बैठता है कि तुम कायर हो और वह कायर की स्थिति ना आए। सुख की तरंग ऐशोराम की ज़िंदगी प्रतिशोध करने वाला ऐसा जीवन नहीं जीता है, इसकी भी प्रेरणा हमें इस कविता के माध्यम से लेनी चाहिए। जैसा कि शिक्षार्थियों आपको मैंने बताया कि सत्य राख में रहने का मतलब है कि सत्य आग है और राख उसके ऊपर एक झूठ है, और इस झूठ के नीचे दबे सत्य को हमें पहचानना होगा, तभी हम जो है इस पूरी परिस्थितियों को समाज की, देश की सुरक्षा के लिए हम एक उचित निर्णय की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस झूठ रूपी राख को खत्म करके उस आग को, अपनी क्षमताओं को, क्रियाशीलता की ओर हमें अग्रसर होना होगा, ताकि हम एक नव निर्माण और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। आइए शिक्षार्थियों, इसके बाद हम कविता के अगले अंश की ओर बढ़ते हैं, जिसमें वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार, शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि अहिंसा छोड़ दो। जब सामने हिंसा हो रही है तो तुम्हें हिंसक होना ही होगा। वैराग्य छोड़ो और अपनी बाहों की विभा, अपनी बाहों की शक्ति को पहचानो। वैरागी जीवन क्या होता है आपको आगे हम समझाते हैं, और एक वीरों का जीवन क्या होता है। एक योगी बनकर आप किसी भी तरह देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगी की अपनी एक सीमाएं होती हैं। वह अहिंसा और एक संयम की ज़िंदगी जीता है, जबकि एक वीर सिर्फ सुरक्षा करने के लिए, जान देने और जान लेने की ज़िंदगी जीता है। उसका जीना और मरना सुरक्षा, आन बान शान के लिए होती है। इसीलिए वो कहते हैं कवि कि चट्टानों की छाती से दूध निकालो, कठिन परिश्रम करना पड़े तो कर डालो। हमें इस परिश्रम से, क्योंकि दुर्गम परिस्थिति है, अगर हम अपने दुश्मनों को देखें, अपने पड़ोसी देशों को देखें, तो उनसे लोहा लेना या उनसे टक्कर लेना एक मुश्किल परिस्थितियां हैं। और चीन जैसे शक्तिशाली देश से अगर आपने बदला लेना है, तो उसके लिए हमें चट्टानों की छाती से दूध निकालने जैसा दुर्गम दुष्कर कार्य भी हमें करना होगा। और इसके साथ ही वो कहते हैं पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, अर्थात जैसा आप जानते हैं कि पूर्णिमा में चंद्रमा से अमृत की जो है बूंदें गिरती हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि किस प्रकार से लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। कवि क्या कहने का आशय यह है कि चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, अर्थात ऊंचे से ऊंचा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और जिस प्रकार ऊंचे शिखर से जाकर हमें अमृत को पाना है और उसे प्राप्त कर हमें योगियों की तरह नहीं विजयी की तरह जीना है, यह कवि कहना चाहते हैं। योगी और विजयी के अंतर को अब समझते हैं। योगी योग ध्यान में लीन व्यक्ति है, और विजयी दृढ़ निश्चयी होता है। योगी निर्मोही है, असंसारिक है, अहिंसावादी है, कोमल है, दयालु है। वहीं विजयी की जो विशेषता होती है वह निर्भीक, विजयी वीर, उत्साही और परिश्रमी होता है। कुछ बातों को जो इसमें हमने देखा और जिस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया कि बाहों की भुजा विभा जो पहचानने की बात की गई है, उसमें यही स्पष्ट किया है कि अपनी क्षमताओं को हम पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें, और उस शक्ति के को पहचान कर देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य साधें और ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य साधें। यही कामना रखते हुए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें अभी प्रेरित करता है। इन दो अंशों को हमने इस भाग में समझा शिक्षार्थियों, अब अगले अंश में आगे की कविता को हम समझेंगे। धन्यवाद।